भाई ट्रेन देखो, अभी हम लोग भाई बादल के बीचों बीच राइड कर रहे हैं। ये सब जो फॉगी टाइप का दिख रहा है ना, वो बादल ही है। ये देखो तो भाई अभी बारिश होने लगा था तो हम लोग रुक गए थे यहीं पे, कुछ होटल था मतलब रूम घर है वहीं वहीं नीचे स्टे कर गए थे। और भाई इधर बारिश इतना ठंड, ऐसा ना क्या मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है यहाँ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है। अब चलो अब चलते हैं दार्जिलिंग की तरफ, बैठिए। ये देखो भाई यहाँ पे आपको बादल क्लियर दिख रहा होगा। अब हम लोग दार्जिलिंग पहुँच चुके हैं। वेलकम टू द दार्जिलिंग, द क्वीन ऑफ हिल्स। पता नहीं यार बैटरी का कुछ इशू आ रहा है। बैटरी 65% चार्ज है बट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है, और नोटिफिकेशन में दिखा रहा है कि जो बैटरी है ना वो लो हो गया पूरा। तो अब हम फिलहाल यू टर्न जा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रहा है, और भाई रेनकोट जैकेट वगैरह कुछ नहीं ले रखा हूँ मैं, बारिश भी जोड़ों की होने लगी यार। यार बारिश हो रहा है और भींग रहा हूँ फिलहाल, दिक्कत वाला बात ये है। यहीं पर लगा देते हैं बाइक थोड़ा देर के लिए, उतरिएगा पीछे देख के थोड़ा सा। पता है भाई इधर बारिश बहुत जोरों की हो रही है, एकदम एक तो हाफ टी शर्ट पहन कर आया हूँ भाई दार्जिलिंग घूमने, पहला बात तो ये यार। जल्दी जल्दी में आना पड़ेगा ना, इसके कारण ध्यान में ही नहीं रहा कि दार्जिलिंग में तो ठंड रहेगी। वैसे दार्जिलिंग में ही उसके नीचे जाओगे ना कुरसोंग जो हो गया आपका, उस साइड आपको ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। हाँ इधर का मौसम का कुछ फिक्स नहीं होता है, जब मन तब ख़राब होते रहते हैं। और यही है भाई दार्जिलिंग, दार्जिलिंग सिटी है ये। अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। इधर पता है लोग ना रेनकोट और साथ साथ अम्ब्रेला हमेशा कैरी करते हैं भाई, क्योंकि इधर का ना मतलब जो मौसम है ना कभी भी चेंज हो जाता है। अब भाई हम लोग निकल रहे हैं कुरसोंग के लिए, मतलब यू टर्न। और भाई कहीं पर रुक के पहले गर्म होंगे, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है अब हमें, हाथ काम नहीं कर रहा है भाई, इतना ज़्यादा ठंड है। हाँ चाय तो रास्ता कहीं रोकेंगे तब ना। और भाई देखो यहाँ पे जो टॉय ट्रेन है ना उसका यहाँ पे मरम्मत होता है, पता है अभी भी ये स्टीम इंजन है इसमें। ये देखो हाथ देखो भाई ठंड से रेड हो गया पूरा, जो ठंड में नहीं झुर्री टाइप का जो नहीं हो जाता हाथ में ठंड से, वैसा हो गया पूरा हाथ दोनों। एक हाथ से तो अब ब्रेक ही नहीं लग रहा क्योंकि क्लच तो चलो दब जाती है फिर भी, बट जो ब्रेक है ना वो नहीं लग रहा, ब्रेक दम हार्ड होता है ना तो उसे जोर से दबाना पड़ता है, उसमें पावर ही नहीं लग रही है ठंड के कारण। हाँ से चलो भाई ऐसे ही धीमा धीमा बारिश में भींगते भींगते चल देंगे हम लोग। ओ भाई ट्रेन देखो
तेज आ रही है भाई ट्रेन, टॉय ट्रेन। ये देखो भाई बादल, भाई साहब ये चेक करो बादल भाई, मतलब अब ऊपर आ रहा है यार। मैं तो हेलमेट से कैमरा खोल रखा हूँ, तो दिखाता हूँ आप लोग को, तो सिर्फ वाइट वाइट ही दिख रहा होगा। लेट मी शो यू, दिखाते हैं आप लोग को क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। पता है यहाँ पर रुकने का बहुत बड़ा इशू है, मतलब तो प्लस बारिश हो रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ये देखो अब ना बादल ऊपर आ रहे हैं, मतलब जहाँ पे जिस जगह पे हम लोग हैं वहाँ पे बादल टकरा रही है। ये देखो देखो वहाँ से भाई वो पता चल रहा है अच्छा से, बादल ऊपर की ओर आ रहा है। खैर चलो अब हम चलते हैं सीधा यहाँ से नीचे और देखते हैं कि क्या सीन होता है। उधर से आते वक्त क्लियरली तो बादल नहीं दिख रहा था, बट अब देखो अब क्लियरली दिख रहा है। अभी हम लोग भाई बादल के बीचों बीच राइड कर रहे हैं, ये सब जो फॉगी टाइप का दिख रहा है ना वो बादल ही है। ये देखो भाई बादल है ये सब, आगे तो देखना मतलब दिखेगा ही नहीं फिर। अभी हम लोग बादल में ही है। ओ भाई ये चेक करो, अभी हम लोग भाई प्योर बादल के अंदर है। मतलब आपको बादल का सैर करना है ना तो आ जाओ दार्जिलिंग, और क्यों ना ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है दार्जिलिंग, आप लोग को तो पता ही है, नहीं भी पता तो हमारे ब्लॉग से जान जाएंगे अब। और चलो जो लोग दार्जिलिंग आने के सोच रहे होंगे उनको मैं कुछ टिप्स दूंगा ज़रूर, क्योंकि वो चीज़ मैं आज वो गलती किया हूँ, तो मैं आप लोग को साथ ज़रूर शेयर करूँगा ताकि आप लोग वो गलती ना करो। भाई सोच रहे हो ऐसे में बादल में राइड करना क्या फील आता होगा, मैं सच्ची बताऊँ तो ये फीलिंग एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूँ। और पता है हिल्स में राइड करना ना इतना इजी भी नहीं है, बिगनर्स के लिए तो भाई इजी नहीं होने वाला ये। ये देखो नीचे, देखो भाई नीचे खाली बादल दिख रहे हैं। हाँ लो आप लोग को दिखाता हूँ, ये चेक करो व्यू क्यून ऑफ हिल्स। मैं रिकमेंड जरूर करूँगा भाई कि आप लोग एक बार जरूर आओ यहाँ दार्जिलिंग, जरूर आओ भाई। तो मैं अच्छे से घूर भी नहीं पाया उतना, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड प्लस साथ ही साथ ना कुछ सामान वगैरह भी नहीं लाया मैंने, इसलिए बहुत दिक्कत हो गया राइड में। कोई नहीं भाई, एक्सपीरियंस से ही, गलतियों से ही आदमी सीखता है, और वो मैं आज मैं सीखा हूँ थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा। वो देखो भाई पहाड़ पे ऊपर देखो बादल एकदम, मतलब ना बादल जो है ना इस पे इसी पे पहाड़ पे ही है सब, मतलब हम लोग आसमान की ऊंचाइयों पे हैं। रुको अगर खाली रहेगा तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये चेक करो गाइस। ये देखो आप लोग भाई
ऐसा ऐसा दृश्य देखने को मिला तो यार क्या ही मजा है यार। रुको आप लोग को दिखाता हूँ, रुक के मैं आप लोग, चलो एक चीज दिखाते हैं। ये देखो भाई साहब, भाई पूरा हिमालय दिख रहा है यार वहां पे तो। ठीक है अभी हम लोग उधर ही जाने वाले हैं उसी तरफ। ये जो है ना शॉर्टकट आप लोग देखते हो, चाय की खेती भी हो रखी है इधर। है अच्छा सॉरी, यहीं पर भी तो है। रुको आप लोग को नीचे जाकर दिखाते हैं। ये देखो ये सब जो है ना सब चाय की खेती हो रखी है यहाँ पे, और वहाँ पे दीदी चाय। हाँ हाँ वहाँ से धूप गिर रहा है। हाँ हाँ वो देखो भाई वहाँ से धूप नीचे की ओर आ रहा है, वहाँ पे आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, एक रेजा इस टाइप का दिख रहा है ना वही। ऐसे तो मैं आप लोग को धूप नहीं दिखा सकता। और ये है भाई चाय की खेती। भाई शूज बहुत स्लिपरी है, यहाँ पे दे दी चाय नहीं पत्ती पत्ता जो होता है ना वो निकलता है इसका, तो जो जो पत्ता टूटने लायक है उसे निकाल रहे हैं। भाई कितने ह्यूज अमाउंट में चाय पत्ती खेती हो रखी है यहाँ पे, ये देखो। और वो सब जो देख रहे हो ना वैसे ही शॉर्टकट है वो रास्ता, मतलब तो आते हैं लोग और लेकर जाते हैं। और वो देखो भाई साहब वहाँ पे देखो कितना सुंदर लग रहा है वो जो धूप आ रहा है नीचे पहाड़ की तरफ। भाई साहब वो देखो गाइस, इसलिए ऐसे बोला जाता है क्वीन ऑफ हिल्स। और भाई इसी वैली के साथ हमारा आज का व्लॉग यहीं पे होता है द एंड। सो मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। सो फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि अब व्लॉग कंटिन्यू आने वाला है और साथ ही साथ अब ट्रिप भी होगा, हर मंथ एक ट्रिप जरूर होगा। इस बार हमारा दार्जिलिंग ट्रिप रहा, और नेक्स्ट टाइम आप लोग कमेंट करके बताना कि कहाँ का ट्रिप चाहिए, वहाँ का ट्रिप प्लान करेंगे फिर।